Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Our next lecture that is about the blood groups and blood transfusion physiology. ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुप्स क्यों हैं? बिकॉज हमारे जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, उनके ऊपर, उनके सरफेस पे बाहर की तरफ कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं. ठीक है, उन प्रोटीन्स को कहा जाता है एंटीजन्स. ठीक, तो ये अलग किस्म के एंटीजन्स इनके सरफेस पे मौजूद हैं RBCs के ऊपर, जिसकी वजह से वो ब्लड को, एक ब्लड को दूसरे ब्लड से अलग कर देती हैं. तो ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं, और जिसकी वजह से एक ब्लड ग्रुप एक इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड लगाने में, एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को लगाने में या ब्लड को ट्रांसफ़र करने में मुख्तलिफ चीज़ों को देखना पड़ता है. ठीक है, ये देखिए हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है. यहाँ पे ये आपको राउंड शेप पे, ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे जिन्हें इन्होंने राउंड शेप से शो किया है. दिस राउंड शेप मीन्स कि ये एक किस्म की प्रोटीन है जिन्हें एंटीजन्स कहा जाता है. ठीक है, इनको एंटीजन्स ए का नाम दिया गया, एक किस्म की प्रोटीन को. और ये जो प्रोटीन है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडीज़ ए. ठीक है, तो अब जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी बॉडी एंटीजन अपने ही प्रोटीन के अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती. ठीक, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इट मींस आई हैव एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ माय रेड ब्लड सेल्स. मेरे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद है जिन्हें कहा नाम दिया गया है एंटीजन ए. ठीक है, अब मेरी बॉडी इन एंटीजन्स को पहचानती है, ये एंटीजन्स मेरी बॉडी का हिस्सा है. ठीक है, तो मेरी बॉडी का जो हिस्सा है, मेरी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी कभी भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी. अब मेरे RBCs के ऊपर सिर्फ एक किस्म के एंटीजन्स मौजूद हैं, एंटीजन ए मौजूद है, तो मेरी बॉडी एंटीजन बी को नहीं पहचानती. ये देखिए, ये एंटीजन बी एक और किस्म का ब्लड ग्रुप है. RBCs के ऊपर एक और किस्म की प्रोटीन्स मौजूद है जिन्हें एंटीजन्स बी का नाम दिया गया है. तो ये बॉक्स की शेप में इनको शो किया गया है ताकि पता चल सके कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द राउंड वन. ये यहाँ पे इस डायग्राम में जो एंटीजन्स हैं उनको राउंड शेप से शो किया गया है, और ये इस पिक्चर में जो एंटीजन्स शो किए गए हैं, प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ RBCs. ठीक है, RBCs जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके ऊपर कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं जिन्हें एंटीजन्स कहा जाता है. एक किस्म का जो प्रोटीन है, दैट इज़ नोन एज एंटीजन ए, और एक और किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है एंटीजन बी. और हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं, एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है. और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर किसी भी किस्म का प्रोटीन मौजूद नहीं है, ना एंटीजन ए मौजूद है और ना ही एंटीजन बी मौजूद है. तो जिनके बॉडी की सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है, उनका ब्लड ग्रुप ए है, और जिनके बॉडी की सरफेस पर एंटीजन बी, मतलब एक दूसरे किस्म का प्रोटीन मौजूद है जिन्हें एंटीजन बी का नाम दिया गया है, उन्हें ब्लड ग्रुप बी कहा गया. और जिनके RBCs के ऊपर दोनों किस्म के एंटीजन्स मौजूद हैं, उन्हें ब्लड ग्रुप ए भी कहा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ देयर RBCs एंड दे ऑल्सो हैव एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ देयर RBCs. ठीक है, उनके सरफेस पर दो किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं. और देन ग्रुप ओ, जिनके ऊपर कोई भी किस्म का एंटीजन या प्रोटीन मौजूद नहीं है जिनके RBCs के ऊपर सरफेस पे, तो उन्हें ब्लड ग्रुप ओ का नाम दिया गया. अभी आपने ये बात समझनी है कि वी हैव फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप ए, जिनके RBCs के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जिसे एंटीजन ए का नाम दिया गया. कुछ लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है, बिकॉज़ उनके जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके सरफेस पर, सेल्स के ऊपर, सेल की सतह पर एक ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं जिन्हें एंटीजन बी का नाम दिया गया. कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए भी है, बिकॉज दे हैव रेड ब्लड सेल्स, और उनके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर, सतह पे, ऊपर,
की तरफ से कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं सेल के ऊपर, जिन्हें जो दोनों किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी, इसलिए इनको ब्लड ग्रुप ए बी का नाम दिया जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आरबीसीज के ऊपर किसी भी किस्म का प्रोटीन मौजूद नहीं है, ना एंटीजन ए और ना एंटीजन बी, तो ऐसे लोगों के को ब्लड ग्रुप ओ का नाम दिया गया है। ठीक है, वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनके आर बी सीज के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, तो एंटीजन ए इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन, वो उनकी बॉडी उस एंटीजन ए को सिर्फ पहचानती है, वो एंटीजन बी को नहीं पहुंचाती, बिकॉज उनके पास सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए है। तो अगर उनकी बॉडी में ब्लड ग्रुप बी, जिनका ब्लड ग्रुप बी है, वो ब्लड अगर ट्रांसफ़र किया गया, ब्लड ग्रुप ए वालों को ब्लड ग्रुप बी दिया गया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आर बी सीज हैं, मेरी बॉडी में जो ब्लड है उसके आर बी सीज पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एक प्रोटीन मौजूद है जिन्हें एंटीजन ए का नाम दिया गया, और एक और हमारी रिलेटिव है और उनका ब्लड ग्रुप उनका बी है, मींस उनकी जो आर बी सीज हैं उनके ऊपर एक दूसरे किस्म का प्रोटीन मौजूद है जिनके एंटीजन बी का नाम दिया गया है, तो मेरी बॉडी एंटीजन बी को नहीं पहचानती, बिकॉज मेरे पास एंटीजन ए तो मौजूद है लेकिन मेरे आर बी सीज पे एंटीजन बी मौजूद नहीं है। तो अगर मुझे गलती से ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड लगाया गया जब इमरजेंसी सिचुएशन में, तो मेरी बॉडी अगेंस्ट एंटीजन बी एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है वो एंटीजन बी को नहीं पहचानता, तो अगर उनकी बॉडी में बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र किया गया तो वो उनकी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, बिकॉज दे डू नॉट रिकग्नाइज दैट प्रोटीन। जब भी हमारी बॉडी किसी भी किस्म की प्रोटीन को नहीं पहचानती जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जो ऑलरेडी बॉडी में मौजूद नहीं है, तो उनके अगेंस्ट वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि उनको किल कर किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। तो इस केस में ब्लड ग्रुप बी वालों को का ब्लड ब्लड ग्रुप ए वालों को नहीं लग सकता, क्योंकि अगर ये ब्लड लगेगा तो उनकी बॉडीज़ उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेगी, और ये जब इस चक्कर में जब ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे तो हमारे अपने ब्लड सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं और किसी इंसान की डेथ हो सकती है। इसी तरह जिनका ब्लड ग्रुप बी है, जिनके आर बी सीज के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिसे एंटीजन बी का नाम दिया गया है, उनकी बॉडी एंटीजन ए को नहीं पहचानती, ठीक है, उनके पास एंटीजन ए नहीं है, वो प्रोटीन्स मौजूद नहीं है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए वालों का ब्लड दिया गया, लगाया गया ब्लड ग्रुप बी वालों को, तो ब्लड ग्रुप बी वाले जो हैं अगेंस्ट एंटीजन ए की एंटीबॉडीज़ बनाएगी, वो ख़ास किस्म के एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं उस प्रोटीन के अगेंस्ट जो वो नहीं पहचानते। तो अगर ब्लड ग्रुप बी वाले हैं तो वो सिर्फ एंटीजन बी को पहचानते हैं, वो ब्लड एंटीजन ए को नहीं पहचानते, तो वो एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और ब्लड जो ब्लड एंटीजन ए के साथ, जो आर बी सीज एंटीजन ए के साथ हैं, वो उसको ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ब्लड जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उनको ब्लड ग्रुप ए नहीं लग सकता, ठीक है, ए जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो बी वालों को ब्लड नहीं दे सकते। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं उनके पास एंटीजन ए भी है, उनके पास एंटीजन बी भी है, उनकी बॉडी एंटीजन ए को भी पहचानती है, उनकी बॉडी एंटीजन बी को भी पहचानती है, तो वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके आर बी सीज के ऊपर दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स दोनों मौजूद हैं। तो वो ब्लड ग्रुप ए वालों से भी ब्लड ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी वालों से भी ब्लड ले सकते हैं, तो और ब्लड ग्रुप ओ वाले से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके सरफेस पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो सारे एंटीजन्स को पहचानते हैं, एंटीजन ए को भी पहचानते हैं, एंटीजन बी को भी पहचानते हैं, तो वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे। एंटीबॉडीज़ कौन बनाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। किन प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनाते हैं? जो बॉडी का हिस्सा ना हो और जिन्हें बॉडी नहीं पहचानती, जो कि एक अलग चीज़ हो, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी वालों के पास दोनों किस्म के एंटीजन्स होते हैं, वो दोनों एंटीजन्स को पहचानते हैं, वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए ओ
वाले ऐसे लोग हैं जिनके RBCs रेड ब्लड सेल्स के ऊपर किसी भी किस्म का एंटीजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है उनकी बॉडी ना एंटीजन ए से वाकिफ है ना उनकी बॉडी एंटीजन बी से वाकिफ है। तो अगर उनको ब्लड ग्रुप ए दिया जाए या ब्लड ग्रुप बी दिया जाए तो वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, या उनको ब्लड ग्रुप ए बी दिया गया वो फिर भी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे बिकॉज वो तो किसी किस्म के एंटीजन को नहीं पहचानते। वो ब्लड सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकते हैं बिकॉज वो किसी भी एंटीजन को नहीं पहचानते, ना एंटीजन ए को और ना ही एंटीजन बी को। अगर उनकी बॉडी में किसी भी किस्म का ये एंटीजन वाला ब्लड एंटर हुआ तो उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। एंटीबॉडीज़ क्या है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनाते हैं जो कि फॉरेन प्रोटीन्स के ऊपर जाके अपने आप को अटैच कर देते हैं ताकि सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स उनको किल कर सकें, उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम बनाता है, हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि जो बाहर की चीज़ है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनके सरफेस पर भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनके साथ एंटीबॉडीज़ को अटैच किया जाता है ताकि उनको किल किया जा सके। ठीक है, इसी तरह ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी जो एंटीजन, जो प्रोटीन्स हैं, अगर हमारी बॉडी उनको नहीं पहचानेगी तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी ताकि उनको ख़त्म किया जा सके, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इस केस में क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनकी उनके RBCs के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उनके RBCs के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं उनके RBCs के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं उनके ऊपर नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। ब्लड ग्रुप ए वाले हैं वो ब्लड ग्रुप सिर्फ ले सकते हैं ब्लड ग्रुप ए से, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ए वाले ए से ले सकते हैं ब्लड और ओ से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों ओ के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ब्लड ओ ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं और ए वाले ए से ले सकते हैं। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं वो ब्लड ग्रुप बी से ब्लड ले सकते हैं, अपने जैसे ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सके। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं वो ए बी वालों से भी ले सकते हैं, वो ओ वालों से भी ले सकते हैं, वो बी वालों से भी ले सकते हैं, वो ए वालों से भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी दोनों एंटीजन्स को भी पहचानती है, वो किसी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है दे आर यूनिवर्सल रिसीवर्स, वो सारे ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं, उनको ब्लड किसी किस्म का भी ब्लड लगाया गया तो उनकी बॉडी रिएक्शन नहीं करेगी, उनकी बॉडी किसी भी किस्म का एंटीबॉडी नहीं बनाएगी क्योंकि वो दोनों एंटीजन्स को पहचानते हैं, एंटीजन ए को भी पहचानते हैं और एंटीजन बी को भी पहचानते हैं, और वो ब्लड ग्रुप ओ से भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन सके। फिर अब ब्लड ग्रुप ओ के साथ क्या स्टोरी है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, किसी से ब्लड ले नहीं सकता। दे क्यों सकता है? क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन्स नहीं है, तो ए को मिलेगा तो वो उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके ऊपर एंटीजेंस ही नहीं है। ब्लड ग्रुप बी वालों को दिया गया, ब्लड ग्रुप बी वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजेंस नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी वालों को ओ ग्रुप दिया गया तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ले नहीं सकते। ब्लड ग्रुप ओ वाले किसी बी के दूसरे ग्रुप में से ब्लड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर उनको ब्लड ग्रुप ए वालों का ब्लड लगा तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग हैं वो एंटीजन ए को नहीं पहचानते, वो एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे क्योंकि उनके RBCs के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर उनको ब्लड ग्रुप बी का ब्लड लगा तो भी वो ब्लड ग्रुप बी के एंटीजन्स को नहीं पहचानते, एंटीजन बी को नहीं पहचानते, तो उनकी बॉडी अगेंस्ट एंटीजन बी एंटीबॉडीज़ बनाएगी क्योंकि उनके ऊपर RBCs के ऊपर किसी भी किस्म का एंटीजन मौजूद नहीं है, तो उनकी बॉडी किसी भी किस्म के एंटीजन से वाकिफ नहीं है। अगर उनको ब्लड ग्रुप बी लगता है तो वो अगेंस्ट एंटीजन बी एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और इन RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि वो इन सेल्स को पहचानते ही नहीं, उनके सरफेस पे एक प्रोटीन मौजूद है जिसे ब्लड ग्रुप ओ वाले पहचानते ही नहीं, उनसे वाकिफ ही नहीं है। इसी तरह ना वो ब्लड ग्रुप ए बी से ले सकते हैं ब्लड क्योंकि इनके पास दोनों किस्म के एंटीजेंस हैं जिनसे ब्लड ग्रुप ए वाले वाकिफ़ नहीं हैं और उनकी बॉडी के लिए ये एंटीजेंस नए हैं,
तो वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे. तो ब्लड ग्रुप ओ वालों को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर्स. वो सबको ब्लड दे सकते हैं लेकिन किसी से भी ब्लड ले नहीं सकते. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि ब्लड ग्रुप ओ वाले सबसे ब्लड ले सकते हैं, सारे ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, लेकिन किसी को ब्लड सबको ब्लड दे सकते हैं लेकिन किसी से ब्लड ले नहीं सकते. ब्लड ग्रुप ओ को इसीलिए रेयर केस कहा जाता है कि ये जो है किसी और किस्म के ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड नहीं ले सकते, सिर्फ अपने ओ वालों से ले सकते हैं. ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ वाला दूसरे ब्लड ग्रुप ओ वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और कोई भी किस्म का ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप ओ वालों को ब्लड नहीं दे सकता. हाँ, ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं. उनके ऊपर आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजेंस मौजूद नहीं है, इसीलिए वो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग होते हैं वो ब्लड ग्रुप ए वालों को भी ब्लड दे सकते हैं, वो ब्लड ग्रुप बी वालों को भी ब्लड दे सकते हैं, वो ब्लड ग्रुप ए बी वालों को भी ब्लड दे सकते हैं और अपने ओ वालों को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स. वो सबको ब्लड दे सकते हैं लेकिन ले सिर्फ अपने ओ वालों से ले सकते हैं. ठीक, ये देखें, इट इज़ द सेम कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनके ऊपर एंटीजन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, एंटीजन ए जिन्हें कहा जाता है, और ये इनकी बॉडी एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं क्योंकि वो एंटीजन ए को पहचानती है लेकिन एंटीजन बी को नहीं पहचानती. जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनकी सरफेस आरबीसीज के ऊपर ख़ास किस्म का एक प्रोटीन मौजूद होता है जिन्हें एंटीजन बी कहा जाता है, और ये एंटीजन बी इन ब्लड ग्रुप बी वाले जो है एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे बिकॉज ये बी एंटीजन को पहचानते हैं लेकिन ए को नहीं पहचानते. जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं उनकी आरबीसीज के ऊपर दोनों किस्म के एंटीजन मौजूद हैं, एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है, तो उनकी बॉडी दोनों एंटीजन्स को पहचानती है, तो वो किसी भी किस्म के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते. जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं उनके सरफेस पे किसी भी किस्म का एंटीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए उनकी बॉडी दोनों किस्म के एंटीजन से वाकिफ नहीं है. वो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ताकि उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके. जो भी चीज़ बॉडी के लिए नहीं होती है, जिसे वो वाकिफ़ नहीं है, जिसे वो नहीं पहचानते, जिसे वो रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो जाके अटैच हो जाए और ताकि उनको वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय कर सके. तो जी, ये क्या है ए बी ओ एंड आर एच सिस्टम एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. हमने अभी ए बी ओ ग्रुप सिस्टम को पढ़ा कि कुछ हमारे पास चार किस्म है ब्लड ग्रुप्स के, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ. कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके आर बी सी के ऊपर एंटीजन ए है तो उन्हें ब्लड ग्रुप ओ होता है इनका ब्लड ग्रुप, और जिनके आर बी सीज़ के ऊपर एंटीजन बी मौजूद होता है उनका ब्लड ग्रुप बी होता है. जिन लोगों के आर बी सीज़ के ऊपर दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं, एंटीजन ए एज वेल एज एंटीजन बी, तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है. और जिनके आर बी सीज़ के ऊपर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर किसी भी किस्म का एंटीजन मौजूद नहीं है तो उन्हें ब्लड ग्रुप ओ का नाम दिया गया है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आर बी सीज़ के ऊपर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर किसी भी किस्म का एंटीजन मौजूद नहीं होता और जिसके बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी डिपेंड करता है. ठीक है, फर्स्ट एवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज मेड डॉग टू डॉग बाय ब्रिटिश फिजिशियन रिचार्ड लॉर्ड इन 1665. ऑस्ट्रियन इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्ट्रेन डिस्कवर द ए बी ओ ब्लड ग्रुप. एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कार्ल, इन्होंने फर्स्ट टाइम ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया 1901 में. इन 1910 ई वॉन ग्लोबल प्राइज फॉर द मेडिसिन फॉर दिस डिस्कवरी. फिर कार्ल को 1910 में एक नोबल प्राइज़ मिला था इस काम के लिए. उन्होंने डिस्कवरी की थी कि सारे जो सारे लोगों का ब्लड एक जैसा नहीं है, ये चार किस्म के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, उनके सरफेस पे प्रोटीन जो है उसकी मौजूदगी के वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं. उसके अलावा द ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैक्राइड चेन दैट डिफर इन देयर टर्मिनल शुगर एंड प्रोजेक्ट अबव द आर बी सीज. ठीक है, ये जो हमारे पास हमने डिस्कस किया कि ये एंटीजेंस मौजूद होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, इनके जो शुगर प्रोटीन के ऊपर शुगर बी एंटीजन के साथ शुगर यूनिट्स हैं वो चेंज होते हैं जिसके वजह से एंटीजन ए जो है एंटीजन बी से मुख्तलिफ है. ठीक है, हाँ,
जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बी बनाते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो टाइप बी वाले होते हैं वो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जो टाइप ओ वाले होते हैं वो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जो टाइप ए बी वाले होते हैं वो किसी किस्म का एंटीबॉडी नहीं बनाता। परसेंटेज क्या है पूरी दुनिया में, जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं उनकी परसेंटेज 47% है, और जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं वो 41% लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, और जो ब्लड ग्रुप बी है दैट इज़ 9%। ओवरऑल वर्ल्ड में 9% लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, और ओवरऑल वर्ल्ड में 3% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। इट मीन्स के ब्लड ग्रुप ओ ए बी ओ ब्लड टाइप्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ब्लड टाइप्स, ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यूनिवर्सल डोनर, ये हमने अभी डिस्कस किया, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो जो है सबको ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले सारे ब्लड ग्रुप्स वालों को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन किसी भी और ब्लड ग्रुप में से ब्लड नहीं ले सकता। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं वो सब को सब में सब लोगों से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी ब्लड दे नहीं सकते, ठीक है। वो सिर्फ ए बी वालों को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन सबसे ब्लड ले सकते हैं। सो दे आर द यूनिवर्सल रिसेप्टेंट्स, सबसे ब्लड ले सकते हैं ए बी वाले, और ओ वाले सबको ब्लड दे सकते हैं, सो दे आर यूनिवर्सल डोनर्स। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द लेक्चर, थैंक यू सो मच।